दोस्तों, आपने जरूर किसी नदी, नहर के ऊपर या समुद्र के बीच में पुल बनते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नदी के इस बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, जिस तरह किसी मकान या बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव डाली जाती है, वैसे ही पुल में भी नींव बनाई जाती है। यहाँ पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव का नाम कॉफर डैम होता है। कॉफर डैम एक प्रकार से ड्रम के जैसे दिखते हैं। इन्हें क्रेन आदि के जरिए पानी के बीच में स्थापित कर दिया जाता है। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए बहुत मजबूत भी होते हैं। पुल बनाने के लिए कॉफर डैम को पानी के बीच में रख दिया जाता है। नदी में बहने वाला पानी आसपास से बह जाता है, पर इसके अंदर नहीं आता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी गिलास में एक स्ट्रॉ को रख दिया जाए और इसके बाद इसमें भरे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद कॉफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और फिर वहां पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है। इंजीनियरिंग इसके अंदर जाकर काम करके एक मजबूत पिलर बनाते हैं। पिलर बन जाने के बाद फिर ऊपर ब्रिज का काम शुरू हो जाता है।